गुड मॉर्निंग सर, सभी को मैं हनीमन के जन्मदिन की बधाई देती हूँ। सर आपको चरण स्पर्श और हनी फादर ऑफ होम्योपैथी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। सर मैं फोर्थ बैच से आपसे जुड़ी हूँ। सर पहले तो मैं जीपी करती थी, होम्योपैथी तो सीखना था लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले तो आपका ऐड देखा, तो फिर बाद में आपसे कनेक्ट किया, फंडामेंटल कोर्स किया बाद में, तो ऐसे लगा कि जो मैं ढूंढ रही थी ना वो मुझे मिल गया। तो बाद में ऐसी बहुत खुशी हो गई। और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है ना, आपने भी हमें छोड़ छोड़ दिया ना, तो भी हम आपको नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति है सर अभी, क्योंकि जो ओरिजिनल हम ढूंढ रहे थे ना होम्योपैथी में, तो आपसे ही हम मिला है। जो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी कुछ पता नहीं था, वो सर आपसे ही शुरुआत हुआ है। तो मैं सर आपके प्रति और डॉक्टर हनीमन के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ सर। और एक बात है कि जो डाइंग पेशेंट्स होते हैं, जो एलोपैथी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, उन पेशेंट में जब इम्प्रूवमेंट दिखता है ना, तो जो आनंद होता है ना पेशेंट को और हमें भी, तो अपने आप ही होम्योपैथी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है सर। और अब जो एडवांस स्टडी के बारे में बोलेंगे ना, तो जो सोरिक सिम्टम की समझ पहले इतनी बनी नहीं थी, तो अब सोरिक सिम्टम के साथ पेशेंट के साथ काम हो रहा है, तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आने लगे। पहले क्या था ना कि 4-5 रेमेडी आ जाती थी, मतलब ये हो नहीं सकता कौन सी रेमेडी दो, ऐसी स्थिति थी। तो एक देना, फिर दूसरी देना, फिर तीसरी देना, अगर रिजल्ट नहीं आते थे तो ऐसे लगता था कि मैं पहले जीपी करती थी ना वही अच्छा था, इसमें कैसे घुस गई, ऐसे लगता था सर कभी कभी। तो फिर से मैं जीपी स्टार्ट करूँ या ऐसे भी कभी कभी लगता था, लेकिन अभी ऐसे नहीं है सर। तो अभी अच्छे से रिजल्ट भी आ रहे हैं, पेशेंट भी खुश है और पेशेंट अच्छे से निकल रहे हैं सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। धन्यवाद स्वाति। बस यही है कि जो जो मिल रहा है वो जीने में आ रहा है, तो अच्छा लगता है सुन के।